तो इस वीडियो में XUV300 जो कि TGDI वेरिएंट है, इसका मैं एक रिव्यू शेयर करूंगा जो कि है 1680 किलोमीटर की ट्रिप का। एंड ये ट्रिप हमने की थी नोएडा से हापुड़, हापुड़ से अमृतसर, देन वहां से कटरा जम्मू, एंड फिर वहां से ऑल टुगेदर वापस नोएडा। तो ओवरऑल गाड़ी इस ट्रिप में 1680 किलोमीटर हमने चलाई है। अब इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या गाड़ी ने फ्यूल इकोनॉमी निकाली है, एंड कैसी राइड क्वालिटी एंड बाकी सब चीज़ें रही है, एंड क्या अब हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली है। तो इस 1680 किलोमीटर की ट्रिप में, जैसे कि आप इस इन क्लिप्स में देख सकते हैं जहाँ पे मैंने दिखाया है कि कितना कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी चल चुकी है गाड़ी, सो यहाँ से पता लग जाता है कि गाड़ी कितनी हमने चलाई है। तो जब हमने स्टार्ट की थी तो यहाँ पे गाड़ी का जो मीटर था ये था 1421 किलोमीटर, एंड जब एंड करा इसको हमने तो किया है यहाँ पे 3100 किलोमीटर पे। तो ऑलमोस्ट गाड़ी 1680 किलोमीटर चल चुकी है। एंड अब मैं शेयर करता हूँ आपके साथ कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ऑन रोड अगर बात करें तो गाड़ी का जो एक्सपीरियंस रहा है कि मतलब कैसी क्वालिटी रही, राइड क्वालिटी कैसी रही, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। गाड़ी में किसी भी पैसेंजर को कोई थकान नहीं हुई। गाड़ी के अंदर टोटल 5 पैसेंजर थे, पूरी गाड़ी लोडेड थी, एंड उस टाइम पे गाड़ी में मतलब ऐसा नहीं था कि जो लोग पीछे बैठे थे उनको कोई प्रॉब्लम हो रही हो या आगे जो ड्राइव कर रहा है वो ज़्यादा थक रहा हो। मैनुअल वेरियंट है ये, TGDI है, पेट्रोल के अंदर आता है, एंड W4 वेरियंट है। तो उस हिसाब से बता देता हूँ कि अगर जैसे आप ये देख रहे हो कि हाँ व्हील कवर वगैरह ये मैंने बाहर से लगवा लिए थे, हैं ओरिजिनल महिंद्रा की। एंड सो जो एक्सपीरियंस रहा है मैं वो शेयर करता हूँ यहाँ पे आपको। पूरी ट्रिप में 1680 किलोमीटर की ट्रिप में गाड़ी में किसी को भी कोई कैसी भी कोई परेशानी नहीं हुई, कोई थकान नहीं हुई, क्योंकि इसके जो सीट्स आती हैं काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल सीट है इस गाड़ी के अंदर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करती हैं जब आप किसी लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं। तो क्योंकि लॉन्ग ट्रिप पे एक वो ज़रूरी नहीं होता है कि आपको उस लॉन्ग ट्रिप पे वहाँ पे पहुँचना है, आप जो पूरे रास्ते जा रहे हैं कितना थक रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि अगर आप इतनी ज़्यादा ड्राइव करने के बाद, क्योंकि हमने ऑल टुगेदर मतलब 12 घंटे ड्राइव किए उस रूट पे, सो अगर उसमें बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो हमें उतना मज़ा नहीं आता। मतलब एक पूरा हमें फिर रात चाहिए होती है, पूरा दिन चाहिए होता है कि अपनी थकान मिटाने के लिए। लेकिन इस कार के अंदर हमने इतनी ट्रिप करने के बावजूद, मतलब अगर मैं बताऊँ तो अगर 12 घंटे ड्राइव किए, जैसे यहाँ से हम पहले अमृतसर गए, तो बीच में सिर्फ हमें एक ही बार ऐसा फील हुआ कि हमें रुकना चाहिए, उसके अलावा हमारा कोई ऐसा मूड ही नहीं था कि हमें रुकने की जरूरत भी है, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई थकान नहीं हो रही थी। एंड उसकी मैं दो आपको चीज़ें बताता हूँ कि ऐसा क्यों। पहला तो गाड़ी काफ़ी अच्छी राइड क्वालिटी देती है, गाड़ी के अंदर जो टायर सेक्शन आते हैं, एंड ये हैं आपको 16 इंच के टायर्स देखने को मिल जाते हैं, रिम्स देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके सेक्शन की मैं बात करूँ, सो ब्रिजस्टोन के टायर हैं ये, एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 205/65R16 इंच के काफ़ी अच्छे व्हील्स इस गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं। एंड गाड़ी के अंदर 2600 mm का जो व्हील बेस है, जिसकी वजह से गाड़ी के अंदर स्पेस अच्छा हो जाता है। तो जितने पैसेंजर गाड़ी के अंदर बैठे किसी को भी ऐसा क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं हुआ कि बहुत भिचा भिचा है कि दोनों सबके कंधे आपस में टकरा रहे, क्योंकि पीछे जो थे बड़े ही लोग थे, कोई बच्चे नहीं बैठे थे, तो उनको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरा, अब ये जो सीट्स है ये इतने ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि एक तो ये मैंने बाहर से लगवाया है तो लेदरेट नहीं आती है इस वेरिएंट के अंदर, आती जो फैब्रिक सीट है, लेकिन आती इसी टाइप की सीट है, ये बकेट सीट आपको देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी कैसी थकान की सीट नहीं होने देती है। तो एक ये काफ़ी अच्छी चीज़ रही है, क्योंकि मैंने और भी गाड़ियों में थोड़ी लंबी ट्रिप की हुई है, लेकिन उनमें फील होता है कि हाँ काफ़ी मतलब थक जाते हैं अगर बकेट सीट नहीं होती। एंड ये काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा अंडर थाई सपोर्ट के साथ सीट आती है, एंड ये जो बोस्टर्स हैं ये काफ़ी अच्छे आते हैं इस गाड़ी के साथ, ताकि आप जैसे कोई हैवी टर्न वगैरह कुछ लेते हैं तो ऐसे में आपको सीट एकदम पकड़ के रखती है। तो एक वो काफ़ी बेहतर चीज़ थी इस गाड़ी के अंदर जिसने हमारी ट्रिप में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, कि आपको थकान कैसी भी नहीं होने दी है इसने। ओके, तो राइड क्वालिटी गाड़ी की नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी है, हैंडलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप इसे 120-140 पे अगर कहीं अगर लग रहा है कि जाना पड़ सकता है तो वहाँ पे भी गाड़ी काफ़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्टेबल रहती है। वैसे ओवरऑल गाड़ी को कहीं भी हम 120 से ऊपर नहीं लेके गए, बस कहीं कहीं पे 140 टच किया था, पर गाड़ी के अंदर 120 से ऊपर पास हो चुकी है तो वहाँ पे वो टूटू करने लगती है, जिसकी वजह से आप खुद ही परेशान हो जाओगे, गाड़ी को स्पीड उसकी कम कर लोगे। एंड बाकी अगर 120 की एक्सपीरियंस की बात करूँ कि 120 किलोमीटर पे कैसा एक्सपीरियंस रहा गाड़ी का, तो काफ़ी अच्छा, गाड़ी बहुत स्टेबल, आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देती है। गाड़ी के अंदर चारों डिस्क ब्रेक आते हैं जिसकी वजह से आपको ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ रही इस गाड़ी के बारे में। अब बात करते हैं फ्यूल इकोनॉमी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेट्रोल गाड़ी के अंदर, कि आपको क्या इकोनॉमी निकाल के दे रही है। तो 1680 किलोमीटर के अंदर हमने इस गाड़ी के अंदर 4 तेल डलवाया, आप यहाँ देख सकते हैं उसके मैंने क्लिप्स यहाँ पे लगा दिए हैं, कितना कितना तेल कितनी कितनी बार में जा रहा है। तो ओवरऑल पूरा 142 किलोमीटर हमने 142 लीटर गाड़ी के अंदर तेल लगाए पूरे इस ट्रिप में।
अगर उसको मैं 1680 किलोमीटर से डिवाइड करता हूँ तो हमारी फ्यूल इकोनॉमी जो निकल के आती है वो निकल के आती है 11.7, विच इज़ आई गेस अच्छी रही है, मतलब एक्सपेक्टेशन से मुझे काफ़ी सही लग रही है। अब जिस टाइप की ये गाड़ी है, जिन क्वालिटी के साथ ये गाड़ी आती है, उन क्वालिटीज़ के साथ ये जो फ्यूल इकोनॉमी रही है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है पूरे ट्रिप पे, क्योंकि गाड़ी के अंदर 5 लोग थे। गाड़ी वैसे भी काफ़ी ज़्यादा भारी है एंड जिस साइज़ की गाड़ी है उस साइज़ से ये एंड जिस उसके साथ फ्यूल के साथ आती है, पेट्रोल चाहती थी उसके साथ ये काफ़ी अच्छा रहा है। तो गाड़ी में मतलब कि फ्यूल इकोनॉमी इज़ गुड, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही है। क्योंकि दूसरा, गाड़ी TGDI है, बड़ा टर्बो इसके अंदर आता है, तो पेट्रोल विद टर्बो तो थोड़ा सा फ्यूल इकोनॉमी मतलब ठीक ही रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है पूरे ट्रिप पे। अब बात कर लेते हैं कि इंजन परफॉर्मेंस जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है इस गाड़ी के साथ की TGDI वेरिएंट है एंड महिंद्रा की XUV300 काफ़ी ज़्यादा मतलब फेमस है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, चाहे आप इसका डीजल इंजन ले या फिर चाहे इसका पेट्रोल वेरिएंट ले आप। अब पेट्रोल वेरिएंट में भी हाल ही में ये कुछ टाइम पहले, मतलब साल भर पहले ही ये TGDI वेरिएंट इसके अंदर आया था। जो नॉर्मल दूसरा पेट्रोल वेरिएंट आता है उसके अंदर भी टर्बो आता है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर, इस वेरिएंट के अंदर आपको बड़ा टर्बो देखने को मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको TGDI लिखा है। प्लस इसके अंदर ये कॉमन रेल नहीं है, ये डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन के साथ आती है, विच इज़ की मतलब कि डायरेक्ट आपका इंजन के अंदर ही तेल जाता है, सीधे कंबक्शन के टाइम पे जाता है, जिसकी वजह से आपकी फ्यूल इकोनॉमी एंड प्लस पावर जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिलीवर होती है। तो परफॉर्मेंस वाइज गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है, हैंडलिंग, परफॉर्मेंस, ब्रेकिंग, तीन चीज़ एंड प्लस जो राइड क्वालिटी है एंड जो सिटिंग आपको क्वालिटी इसके अंदर मिल जाती है, कंफर्ट मिल जाता है, वो पांचों चीज़ें बहुत बेहतरीन इस गाड़ी के साथ रही हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं फील होने को मिली है एंड गाड़ी ने कहीं भी मतलब कुछ ऐसी जगह भी आई थी जब पहाड़ी एरिया में हम गाड़ी चला रहे थे, मतलब कटरा से आगे एक जगह पड़ती है शिवखोरी, हम वहाँ तक गए थे 77 किलोमीटर, थोड़ा सा और आगे पड़ता है वो एंड उन रस्तों पे जो थे वो रस्ते थोड़े अच्छे नहीं थे। मैं कुछ क्लिप्स आपको इसमें डाल के दिखा देता हूँ, वो रस्ते अच्छे नहीं थे बिल्कुल भी। उन रस्तों में भी ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं कि गाड़ी कहीं लगी है, क्योंकि काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा सा कम है एंड मुझे पर ऐसा स्टार्टिंग में लगा कि हाँ ग्राउंड क्लियरेंस शायद कम है, कोई दिक्कत हो सकती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कहीं भी गाड़ी ने कहीं भी कोई अप्रोच या डिपार्चर एंगल पे कहीं रास्ता ख़राब आया या फिर कुछ नीचे कुछ गया, गाड़ी ने इजीली हर एक ऑब्स्टिकल को टैकल कर लिया और हर एक टायरेंट से गाड़ी निकल गई इजीली एंड कहीं भी ऐसा फील नहीं हुआ कि गाड़ी में कोई पावर लैक है, गाड़ी 5 लोगों से भरी हुई है, गाड़ी खुद भी इतनी भारी है तो उसमें कोई दिक्कत आए, तो कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। अब बात करते हैं इस गाड़ी का जो एक पेन पॉइंट रहता है लोगों का, कि मतलब ये जो बूट स्पेस है, कि अब आप सोचेंगे इतने लंबी ट्रिप पे गए हो 5 लोग गाड़ी के अंदर तो सामान तो ऑब्वियसली होगा, तो उसमें कैसे इस गाड़ी के अंदर मैनेज किया गया। अब मैनेज करने से क्या कहना चाहता हूँ मैं, जिन लोगों को पता है वो जानते हैं कि इस गाड़ी के अंदर जो बूट स्पेस है वो 252 या 58 लीटर के आसपास आता है, मतलब 250 लीटर का इसमें बूट स्पेस मिलता देखने को, जो कि ओवरऑल जो कॉम्पिटिशन है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है। तो मैं दिखा देता हूँ, तो ये कुछ बूट स्पेसेस में देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम फील होता है। बट अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ कि हमने किस तरीके से इसको भरा हुआ था, तो गाड़ी बिल्कुल ही भरी हुई थी आप यहाँ से देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, हमने मैनेज कर लिया, मतलब मैनेजेबल था, क्योंकि वैसे तो आप बार बार लॉन्ग ट्रिप पे नहीं जा रहे हो, वैसे भी पेट्रोल वेरिएंट तो ऑब्वियसली आपने इस पर्पज़ से ली भी नहीं है। अगर मेरा इतना रहता कि मतलब मुझे ट्रिप्स पे ही जाना है तो मैं ऑब्वियसली मैं डीजल अडॉप्ट करता ना, उस हिसाब से मैं देखता कि मुझे बूट स्पेस कितना मायने रखता है नहीं रखता, फिर मैं दूसरी गाड़ी ले सकता था। लेकिन जब मुझे इतना ड्राइव करना नहीं है एंड दूसरा मतलब इतनी है ऐसी ट्रिप्स पे जाना नहीं, तो सामान की कुछ इतनी ज़रूरत फील हुई भी नहीं, बाकी काम चल गया था, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं चल पा रहा था, काम चल गया था, ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। 5 लोगों का हम 3 दिन की ट्रिप पे थे, 3 दिन का सामान इजीली गाड़ी के अंदर आ गया था एंड विद ये कंबल वंबल भी रखा हुआ था, तो जैसे कि सर्दियों का थोड़ा टाइम था तो सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सर्दियों के कपड़े हमारे थोड़े से ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, तो ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं यार बूट स्पेस तो और ज़्यादा चाहिए तो काम नहीं चल पा रहा है, तो उस ऑप्शन में आप दूसरी जगह पर जा सकते हैं। बाकी अगर मैं इस गाड़ी का एक्सपीरियंस शेयर करूं तो कोई भी ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई देखने को नहीं मिली। इन चीज़ों के अलावा अगर गाड़ी में और जो कुछ ऐसी बात है अगर आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ कि क्या क्या जो मैं कुछ पॉइंट मिस कर गया कि गाड़ी ने कहीं पावर लैक या फिर गाड़ी मतलब कहीं पे कोई ऐसी ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस करने को मिली या नहीं मिली। तो मेरी तरफ से गाड़ी मतलब बिल्कुल ओके रही है, कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं रही है गाड़ी के साथ में, तो गाड़ी ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है
एंड जिस प्राइस पॉइंट पे करंटली ये मिल रही है उस प्राइस पॉइंट पे जो सिर्फ एक कमी इस गाड़ी के अंदर आती है वो है कि इसके अंदर आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम देखने को नहीं मिलता है, जो कि एक यही नेगेटिव पॉइंट है। और गाड़ी के अंदर W4 TGDI या फिर W4 के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं है जिस प्राइस पॉइंट पे करंटली है। सनरूफ वगैरह के साथ ये वेरिएंट आता है, बस आपको व्हील कैप वगैरह नहीं मिलते वो आप बाहर से लगवा सकते हैं। एंड दूसरा म्यूजिक सिस्टम गाड़ी के अंदर नहीं आता वो लगवा सकते हैं। बाकी गाड़ी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है मैं वो दिखा देता हूँ आपको, जिसकी वजह से मैंने ये गाड़ी ली एंड जिसकी वजह से इस गाड़ी में सबसे ज़्यादा फील आता है। पहला जैसे कि TGDI वेरिएंट है तो आपको यहाँ पे ये स्टील टाइप में मतलब स्पोर्टी वेरिएंट देखने को मिल जाता है, स्पोर्टी वर्जन देखने को मिल जाता है इन चीज़ों का। जैसे आप इसका बोनट खोलोगे ये लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी इसकी। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रही है वो खाली इस गाड़ी का ये इंजन, जो कि 3 सिलेंडर पेट्रोल 1.2 लीटर का इंजन है, TGDI वेरिएंट है। पावर अगर फिगर्स की बात करें तो 120 PS एंड 230 Nm का टॉर्क गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाता है, प्लस 20 Nm का अलग टॉर्क आता है। जितना आप इसे रैप करोगे उतना आपको ये 20 Nm का टॉर्क अलग देगा, एक्स्ट्रा देगा। तो मतलब आप मोटा मोटी मान सकते हैं कि 250 Nm का गाड़ी के अंदर टॉर्क है। मतलब दूसरा आपको ये सब चीज़ें आपको डीजल इंजन में देखने को मिलती है, वहीं पे ये पेट्रोल इंजन के अंदर ये सारी चीज़ें गाड़ी ऑफर कर पाती है। एंड सबसे जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ रही जिसके बारे में बात करना भूल गया, अब ये 3 सिलेंडर इंजन है तो एक प्रॉब्लम जो 3 सिलेंडर इंजन के साथ रहती है वो रहती है कि उसके NBH लेवल वो गाड़ी के थोड़े से कम कर देता है, ख़राब कर देता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इतना ज़्यादा मतलब स्मूथ नहीं होता है, मतलब थोड़ा इतना ज़्यादा रिफाइन नहीं होता। बट महिंद्रा ने इस गाड़ी के साथ में जो इंजन ये दिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा साइलेंट है। आपको गाड़ी के अंदर कैबिन के अंदर इंजन नॉइज नहीं आएगी, 1500 RPM तक कोई इंजन नॉइज नहीं आती। एंड उसके बाद जो इंजन नॉइज आती है वो खाली रेस वाली होती है, जो कि आपको हर एक गाड़ी में देखने को मिलेगी। लेकिन जैसा आपने कुछ और गाड़ियों में फेस किया होगा 3 सिलेंडर इंजन के साथ आती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा एक नॉइज़ आती है क्योंकि इंजन वाइब्रेट करता है, जैसे कि टाटा की कुछ गाड़ियों में देखा होगा। इस गाड़ी के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं होती है, जैसे मैं आपको अभी ऑन करके दिखाता हूँ कि आपको पता लग जाएगा कितना ये शोर कर रही है कितना नहीं कर रही है। तो ये बेसिक इसकी आवाज़ है। ओके अब जैसे ही मैं गाड़ी के अंदर जाऊंगा आप इसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करना। कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई भी चीज़ बिल्कुल भी नहीं हिल रही है गाड़ी के अंदर, बिल्कुल भी कोई कैसी भी वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर नहीं है। तो ये जो चीज़ें थी होगा इस गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हैं। फिलहाल ये वीडियो में काफ़ी दिन बाद बना रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ये गाड़ी और भी ज़्यादा चल चुकी है, 3600 किलोमीटर 3600 किलोमीटर हम गाड़ी को रन चला चुके हैं। एंड जो फ्यूल इकोनॉमी रही है सिटी के अंदर फिलहाल, मतलब जो भी अगर मैं मिक्स बात करूं तो लॉन्ग ट्रिप में एक अलग चीज़ थी, अगर मैं अकेले इस गाड़ी चलाता हूँ या दो लोग गाड़ी चलाते हैं तो यस ये 12-13 का एवरेज दे रही है गाड़ी, विच इज ओके। मतलब अगर आप ज़्यादा एवरेज के लिए गाड़ी प्लान कर रहे तो ये गाड़ी उस चीज़ के लिए नहीं है। लेकिन एक अच्छी गाड़ी, रिलायबल गाड़ी प्लस एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी की, एक अच्छी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार अगर प्लान कर रहे हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उस जगह पे। गाड़ी कैसी भी आपको प्रॉब्लम नहीं दे रही है, इतनी लंबी ट्रिप पे हमने कैसी भी कोई भी हर्डल फेस नहीं करी है इस गाड़ी के अंदर, चाहे वो किसी भी टाइप की हो।